आज हम एक पाकिस्तानी भाई के व्लॉग के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं जो इस टाइम पे पोखरा के अंदर मौजूद है और इन्होंने अल्ट्रा लाइट फ्लाइट ली है। $150 की जो फ्लाइट है जिसमें एक आपके साथ होता है पायलट और एक होते हैं आप, और एक छोटी सी गाड़ी नुमा टाइप होती है जो हवा में उड़ती है जिसके पीछे एक पंख लगा होता है और वो हवा में उड़ती है। पोखरा के अंदर पैराग्लाइडिंग और ये अल्ट्रा लाइट फ्लाइट जो है वो काफी मशहूर है और सब विजिट करना चाहते हैं। तो आज हम इनके व्लॉग के ऊपर रिएक्शन देने वाले, आपके साथ शेयर करने वाले कि अल्ट्रा लाइट फ्लाइट इनकी पोखरा के अंदर कैसे होने वाली है, क्योंकि टाइटल में बोल रहे हैं कि भाई मेरे साथ बहुत गलत होने वाला है। तो चलिए पहले इनका व्लॉग देखते हैं, फिर आपके साथ बात करते हैं। बहुत सारे लैंडिंग करनी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इब्राहिम फ्रॉम कराची। कैसे हैं आप सब? मैं हूं यहां पे पोखरा वैली नेपाल में, और आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं इस वक्त नेपाल टूर कर रहा हूं। आज का दिन मेरा बहुत स्पेशल है, अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर रहा हूं, 7 बज रहे हैं और मेरी गाड़ी आने वाली है। मैं एक ऐसे एडवेंचर पर जा रहा हूं कि जो जिसके बारे में हमेशा से मैं सोचता था, लाइक 6 to 8 months पहले मैंने एक वीडियो देखी थी और फिर मेरा दिल चला था कि यार ये करना है मैंने, और आज फाइनली वो दिन आ गया कि मैं करने जा रहा हूं। मैं करने जा रहा हूं अल्ट्रा लाइट फ्लाइट एक्सपीरियंस इन पोखरा वैली। अल्ट्रालाइट फ्लाइट एक्सपीरियंस क्या होता है, इसमें क्या चीज़ इंक्लूडेड होती हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि अल्ट्रालाइट फ्लाइट एक्सपीरियंस क्या होता है। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? आई एम गुड। योर नेम? सुहास। इब्राहिम। ओके, सो सुहास, वेयर आर वी गोइंग राइट नाउ? आई मीन this is the light flight. Okay, I mean, what's the location of takeoff? 10 minutes. Yeah. Is it at the airport? The new one or the old one? Old one. Okay. So it will take around 10 minutes to reach there. Sure. जो बोल दिया six number, ये six number 20 है। अच्छा, मुझे जो आपकी एजेंसी में बात हो रही थी ना, उन्होंने लोकेशन मांगी, उन्होंने कहा कि ये आपकी स्ट्रीट 6 है। मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, मुझे कैसे पता होगा? भाई ये चलते हैं अल्ट्रालाइट एक्सपीरियंस पे। बाहर ठंड बहुत है, अब मुझे नहीं पता कि वो जिस हाइट पे वो लेके जाएंगे उधर के उसमें कितनी ठंड होगी। हेलो, हाउ आर यू? फाइन, हाउ अबाउट यू? आई एम गुड। We are doing for 15 minutes. जिस एक्सपीरियंस के लिए मैं पोखरा आया था, मैं फाइनली वहाँ पे आ चुका हूँ, और ये मेरे पीछे है पोखरा अल्ट्रालाइट प्राइवेट लिमिटेड। तो एक्सपीरियंस क्या है? वो एक्सपीरियंस है ये छोटा सा जहाज़ जिसमें बैठ के मैं अभी पायलट के साथ जाऊँगा ऊपर। मुझे नहीं पता कि कितनी हाइट पे ये फ्लाई करेगा, लेकिन ये है आज की मेरी राइड। अभी मेरी बारी नहीं है, मेरी बारी आती है तो फिर मैं पायलट से ज़रा डिटेल्स लूँगा इस जहाज़ के बारे में और इसकी सेफ्टी के बारे में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है इसको देख के। बिल्कुल खुला जहाज़ है, इस प्रोपेलर पे ही चलता है, इस इंजन है इसका पीछे ही। अब इसमें क्या सेफ्टी मेजर्स हैं ये सब अभी मैं पायलट से पूछता हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस एक्टिविटी के लिए। प्रॉपर तैयार होकर ऊपर जाना होगा आसमान में। Oh, it fits perfectly. Okay. Gloves. Is it comfortable for you? Yeah, it's comfortable. Okay. So we're ready and very excited. Hello pilot. Hi sir. Sir, how are you? Good morning. You good? Yeah, this is Ibrahim. Yeah. Okay. Is your first time? Yeah, it's my first time. Okay. I'm a bit scared. Can you, you know, tell me about the security features of this plane? Of course. So we have everything. So it's safety. We have a Magnum. It's a parachute. It's a parachute. Yeah. Okay. And this is a parachute? Yeah.
Okay. And what if we have, God forbid, an engine failure? It's only open to the last critical situation. Okay. There is no need to like this open. Okay. Now we have a glider. Yeah. Now we go around 4,000 feet. Okay. In 15 minutes flight. Okay. Yeah. It's safe. Safe? Don't worry. Okay. Now I have seen the parachute. I'm a bit, you know, feeling safe, more safe. Be careful. Okay. Please, your backside and. Oh, sorry. Oops. Okay. It's to be one leg there, one leg here. Oh, okay. It's good. Yeah. A bit backside. Okay. And also your okay. Choice. Okay. Okay. But please do not take off your helmet until I arrive here. And sure. If you need something to hold, you can just hold here like this. Okay. Otherwise, your hand is free. You can just freely leave the hand as well. Sure. Sure. Backside, it might be uncomfortable for you to just lay down like this. Hmm. You can freely bend your whole body, left side or right side like this. Okay. 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 Sure. Sure. Thank you. So in 15 minutes, you'll be going up to 4,000 to 5,000 feet up there. 45,000 or 4,500? 5,000. 45,000. Okay. Sure. You're comfortable, right? Yeah, I'm comfortable. Have a nice flight. Thank you so much. Thank you so much. Okay, so are you ready? Yeah, I'm ready. Ready, ready. Yeah. So this is the sign, right? अच्छा उन्होंने मुझे बताया कि पायलट जो है वो मुझसे बात नहीं कर सकेंगे ड्यूरिंग द फ्लाइट क्योंकि ज़ाहिर है वो रेडियो पे होंगे तो मैं कोई भी बात ही नहीं तो मैंने उनके शोल्डर को टैप करना है वो मुझे वहाँ से शीशे में देखेंगे अगर मैं अप सिग्नल दूंगा तो इट्स गुड अगर मैं डाउन दूंगा तो इट्स बैड तो ये है प्रोटोकॉल बाकी इसके एयरक्राफ्ट के सेफ्टी मेजर्स से तो मैं काफ़ी सेटिस्फाई हो गया हूँ तो लेट्स फ्लाई नाउ
स्ट्रेस लगने लगा। मैं आ गया हूँ फ्लाइट लेके अपनी, इट वॉज मैजिकल मूवी थी ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो याद आ गई मुझे। ओफ मज़ा आ गया, हाईली रिकमेंडेड। क्या व्यूज़ थे ऊपर से, अन्नपूर्णा माउंटेन रेंजेस की व्यूज़। आप वीडियो में देखोगे ज़ाहिर है भाई आवाज़ इतनी नहीं आएगी वहाँ पे, बहुत हवा थी, लेकिन जो आपको माउंटेन रेंज नज़र आ रही है वो अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज है। हाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं आपकी फीलिंग। हाँ भाई तो ये था मेरा अल्ट्रालाइट एक्सपीरियंस, उम्मीद है आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। आपने देखा होगा कि टेक ऑफ के वक्त और लैंडिंग के वक्त पायलट को कैसा दिख रहा होता है, वो इस वीडियो के अंदर आपने एक्सपीरियंस किया होगा। क्योंकि अमूमन हम जब जहाज में बैठे होते हैं तो या तो हम राइट पे देख रहे होते हैं, लेफ्ट पे देख रहे होते हैं विंडोज़ पे ना, कभी हमने फ्रंट से नहीं देखा कि कॉकपिट से कैसा लगता है। तो इस वीडियो में उम्मीद है कि वो चीज़ आप क्लियर हुई होगी और आपको अच्छा लगा होगा। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मैंने बहुत इन्जॉय किया, मेरा दिल नहीं चाह रहा था फ्लाइट खत्म हो, लेकिन एंड में क्या हुआ कि अचानक हमारा जो था ना एयरक्राफ्ट था वो बहुत ज़्यादा हिलने लग गया ना, तो पायलट जो था उसने डिसाइड किया कि यार टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा है आज, क्योंकि बहुत विंडी था यहाँ पोखरा में, तो हमें लैंड कर लेना चाहिए। तो अराउंड 12 टू 13 मिनट्स गुजरे थे हमें लैंड करना पड़ा, वरना उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा टाइम भी दिया हुआ था, लेकिन इमरजेंसी उसके अंदर हमें लैंड करना पड़ा। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग आराम से सेफली लैंड हो गए और मैं सेफली बाहर आ गया और मैं आके अब ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं वहाँ पर आउटडोर इसलिए नहीं बना सका क्योंकि मेरे एक्शन कैमरा की जो बैटरी वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा चलो होटल जाके चार्ज करके इसको बनाते हैं। तो आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगा एक अगले एडवेंचर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये, मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। ये थी यार पैराग्लाइडिंग टाइप होती है ना, कुछ पैराग्लाइडिंग के अंदर आपको पंखा देखने को मिलता है कि पंखा लगा होता है, बट ये गाड़ी थी और पंख लगा हुआ था, उड़ सकती है, मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा। बट इन्होंने कहा था टाइटल के अंदर लिखा हुआ था कि गोना रॉन्ग, तो मुझे लगा शायद कुछ गलत होगा, फिर मैंने इनकी वीडियो देखी और फिर पूरा व्लॉग देखने के बाद मुझे ये समझ आया कि भाई हवा का जो प्रेशर था वो काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से पायलट को लैंडिंग का करना पड़ा, पायलट लैंडिंग के लिए तरफ गया। आप सबको पता है कि पोखरा एक बहुत ज़बरदस्त जगह है जहाँ पे आप बहुत सारे ट्रैवलर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे है कि सब लोग पाकिस्तान से विजिट नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था लास्ट व्लॉग के अंदर, पाकिस्तान से टिकट काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान से लोग बहुत कम ही ट्रैवल करते हैं, बहुत कम ही विजिट करना चाहते हैं। बट फिर भी पाकिस्तानी जितने भी होते हैं वो विजिट करना चाहेंगे, मैं खुद विजिट करना चाहूँगा, अगर कोई टिकट भेजेगा, टिकट के पैसे भेजेंगे, रिटर्न टिकट हाँ, तो हम भी आएंगे। पाकिस्तानी इस भाई के बारे में बात करूँ तो ये इब्राहिम भाई थे कराची से और ये नेपाल विजिट करे काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से। हमने इनका लास्ट व्लॉग देखा था पोखरा के अंदर, के पोखरा के उन्होंने ट्रैवल किया था और काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करें इनके व्लॉग्स को। आज इन्होंने जो $150 यानी पाकिस्तानी आप समझ लो कि 40,000 रुपए की फ्लाइट ली है, भाई के दिल के ऊपर तो बहुत ही कुछ गुजरा होगा। अभी तो इनके इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है कि भाई ये खर्चा पूरा कर सके, $150 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे भाई, तकरीबन कोई 40 से 45 हज़ार रुपये बनते, तो भाई को बहुत महंगी पड़ी है। फिर भी यार ये मैं क्या कह सकता हूँ आप लोगों को, ये हर बंदा ट्रैवल नहीं कर सकता वहाँ पे कि आपकी कंट्री के अंदर ना हो। जाहिर सी बात है मेरी मैं भी अभी 2 लाख रुपए की बजट बनाई थी कि विजिट करना चाहिए, बट अगर आप इन सारी चीजों को विजिट करोगे तो आपका बजट 3 से 4 लाख पे पहुंच सकता है, और अगर आप नॉर्मल ही विजिट करना चाहोगे तो फिर उसका मजा नहीं आएगा। आप अच्छे से व्लॉग बनाओ, अच्छे से विजिट करो, तो फिर आप लोगों को बहुत ज्यादा इंजॉय करने को देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से विजिट कर सकते हो। तो जो लोग भी पाकिस्तान नेपाल विजिट करना चाहते हैं, पाकिस्तान से आना चाहते हैं, तो भाई अपना बजट जो है वो अच्छा रखो ताकि अच्छे तरीके से आप विजिट कर सके, अच्छे तरीके से आप किसी अच्छे अच्छी जगहों पर जाके खाना खा सकते हो, विजिट कर सकते हो। मुझे तो पर्सनली बहुत ही जबरदस्त लगा, आप लोगों को कैसा लगा? भाई के व्लॉग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इब्राहिम भाई के व्लॉग के ऊपर आप सब्सक्राइब नहीं करो, क्योंकि अभी सपोर्ट की जरूरत है इनको, 1000 सब्सक्राइबर है, तो भाई चाहूंगा कि इनके सब्सक्राइबर भी बढ़े। इन्होंने $150 की एक फ्लाइट ली, छोटी सी लाइट वेट फ्लाइट थी और बहुत ही इंजॉय किया उन्होंने पोखरा के अंदर। पोखरा के अंदर आपको पता है कि इनके भगवान के, हिंदू लोगों के भगवान के एक बहुत बड़ा स्टेचू भी बना हुआ है, जिसके ऊपर हमने अक्सर रिएक्शन भी दिए हैं काफी सारे ब्लॉग्स के ऊपर। सो अगर आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।